नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डी लिट एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का आज ये छठा लेक्चर है, जिसमें आज हम यहाँ पे फिगर काउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे हम स्पेशली ट्राइंगल यानी त्रिभुजों की गणना के बारे में चर्चा आज करने वाले हैं। तो जितने प्रकार के भी ट्राइंगल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश अभ्यर्थियों को फिगर काउंटिंग वाले सवालों में क्या होता है, थोड़ा ये सवाल टफ लगते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जितने प्रकार के भी ट्राइंगल संबंधी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको त्रिभुजों की गणना करनी है आसानी से। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है। साथ में दोस्तों, यदि आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चाहिए, 15+ प्रैक्टिस सेट स्पेशली उत्तराखंड डेलर एग्जाम 2024 के लिए, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं उत्तराखंड डेलर एग्जाम 2024 के लिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, रीजनिंग के लिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगी उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यह प्रैक्टिस सेट की विशेषता यह है कि ये आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। पिछले एग्जाम में जहां से जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसी आधार पर यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, ट्रायंगल यानी त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती है। और अक्सर एग्जाम में जो फिगर काउंटिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं उसमें ट्रायंगल वाले यानी त्रिभुज वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। आपके सामने एक आकृति दी रहेगी और उस आकृति में आपको पहचान करनी है कि उसमें कितने ट्रायंगल यानी त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल संबंधी बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे लेके आ रखा हूँ और इसमें हम पहचान करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। और वीडियो के अंत में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनमें हम जानेंगे कि उसमें कितने ट्राइंगल है। तो यहाँ पे पहला टाइप जो है वो है यहाँ पे, अगर ट्राइंगल के इंटरनल में यानी ट्राइंगल के अंदर एक ऊर्ध्वाधर रेखा है या बहुत सारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो उसमें फिर कितने ट्राइंगल बनेंगे। जैसे ये है यहाँ पे पहला, तो इसमें तो हमें पता है कि ये एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी इंटरनली यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे खींची गई है। अब इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो, क्योंकि ये तो केवल एक यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, और तीसरा ये जो पूरा बाहर वाला, यानी इसमें कितने ट्राइंगल हैं? तीन ट्राइंगल बन रहे हैं। लेकिन अगर जो शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर बहुत सारी ऊर्ध्वाधर रेखा है जैसे इसमें या इस वाले में, तो इसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक आपको क्या है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, एक या बहुत सारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, तो आपको क्या करना है, इंटरनल वाले क्या करने हैं, ट्राइंगल गिनने हैं। तो इंटरनल एक ये है यहाँ पे ट्राइंगल, और दूसरा ये है, पहला और दूसरा, इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। और फिर आपको क्या करना है, इसको टोटल कर देना है, इनको जोड़ देना है, 2+1=3। तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें तीन ट्राइंगल है। अब इसमें देखो इंटरनल ट्राइंगल कितने हैं, इसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, तो 4, 3, 7, 9 और 1, इसमें हो जाएंगे 10 ट्राइंगल। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ट्राइंगल ये है इंटरनल वाला, ठीक है, पांचवा और छठा ये है। अब जोड़ो इसको, तो 6+5+4+3+2+1 11, 15, 3, 18, 19, 20 और 21, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो रहे हैं, 21 ट्राइंगल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। टाइप क्या है कि अगर ट्राइंगल के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वाला रेखा, ठीक है, अब वो एक रेखा है, दो रेखा है, कितनी भी रेखाएं हैं, अब आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको जो इंटरनल ट्राइंगल है वो काउंट करने हैं। जैसे इसमें काउंट किए 1, 2, 3, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे लिखना है एक एक ये है, या एक ये है, एक ये है, एक एक, ऐसा नहीं लिखना है। सीधे लिखना है एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर जितना भी आपने काउंट किया सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, और जितने भी आएंगे उतने उसमें ट्राइंगल है। अब जो दूसरा टाइप है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे क्षैतिज रेखा वाला। क्योंकि देखो इसमें, ये तो एक ट्राइंगल, इसमें देखो इसमें एक क्षैतिज रेखा है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो
हमें पता है कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल ऊपर से यहां से लेकर और ये, यानी इसमें दो ट्राइंगल है ये हमें पता चल चुका है। लेकिन अगर बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं आएंगे तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जितनी आधार रेखाएं यानी जितनी क्षैतिज रेखाएं वो आपको गिननी है। तो जैसे इसमें एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1+1, इसमें हो जाएंगे 2। इसमें जैसे एक रेखा ये है, दूसरी ये है और तीसरी आधार रेखा ये है, क्षैतिज रेखा, तो इसमें तीन ट्राइंगल हैं। इसमें देखो एक 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 और एक, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें चार ट्राइंगल हैं। अब देखो कैसे, इसमें एक ये है यहाँ पे, दूसरा ये है, तीसरा यहां से लेकर यहां तक है और चौथा ये है, इसमें चार ट्राइंगल है। तो इतना सा अंतर है यहां पे। अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं तब तो आपको इंटरनल गिनना है और उनका जोड़ कर देना है, और अगर यहां पे क्षैतिज रेखा है तो फिर आपको क्षैतिज रेखा यहां पे गिननी है, यानी जो ये बेस है, बेस रेखा, ये क्षैतिज रेखा ये आपको गिननी है। तो इसमें एक है, इसमें कितने हैं, एक और दो रेखाएं, तो इसमें दो ट्राइंगल है, इसमें एक रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो इसमें तीन ट्राइंगल है, इसमें एक दो तीन और चार, तो इसमें चार ट्राइंगल है। अब यहां पे देखो, अगर किसी ट्राइंगल में क्षैतिज रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर रेखा भी है तब आपको कैसा करना है। तो मैंने आपको देखो क्षैतिज रेखा जिसमें है या जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों ट्रिक्स हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको, तो इसका मतलब ये भी सिंपल होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, तो आपको पहले क्षैतिज रेखा भूल जाना है। अब इसमें मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पहला तरीका है वो केवल कुछ ही ट्राइंगल में लागू होता है, अगर जिसमें दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा यानी बेस वाली रेखा और ऊर्ध्वाधर यानी जो लंब रेखा होती है, ठीक है। तो यहां मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा, जो पहली ट्रिक है वो केवल कुछ ही ट्राइंगल में यूज होगी जिसमें ऊर्ध्वाधर और लंबवत दोनों रेखाएं होंगी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं। लेकिन जो दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो इन सब में यूज होगी। अब देखो पहली ट्रिक क्या है कि आपको केवल क्षैतिज रेखा को भूल जाना है और आपको ये देखना है कि ये इस टाइप का ट्राइंगल है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर रेखा, तो हमने क्या करना था, इंटरनली इसको काउंट करना था, तो 1 2 यानी इसमें तीन है। अब इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो जितनी ऊर्ध्वाधर रेखा है उससे आपको क्या कर, जितनी इसमें क्या है क्षैतिज रेखा है, तो एक क्षैतिज रेखा ये है और एक क्षैतिज रेखा ये है, तो उतनी क्षैतिज रेखा में आपको क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, यानी 3 × 6, इसमें टोटल 6 क्या हो जाएंगे, ट्राई एंगल हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी ट्रिक है वो क्या है, आपको क्या करना है, इसको ये देखना है कि ये क्या है, इसको दो भागों में देखना है, एक ये ऊपर वाला और दूसरा ये वाला। तो आपको काउंट करना है और इसमें लिखना है, जैसे जैसे मैंने ऊपर लिखा था, जब हमने ऊर्ध्वाधर रेखा वाला जो फिगर काउंट किया था जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, तो आपको उसी आधार पर इसको काउंट करना है और आपको बेस में काउंट करना है, इंटरनली फिगर आपको काउंट करना है, तो 1 2, और इसी प्रकार से ये वाला भी 1 2, इसके आधार पर एक और दूसरा ये है, इसमें इंटरनल बन रहा है एक और दूसरा ये बन रहा है, तो इसमें जोड़ो 2 और 1 3 हो रहा है, इसको भी जोड़ो 2 और 1 3 हो रहा है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 3 + 3 6, इसके माध्यम से भी 6 आ रहे हैं, इसके माध्यम से भी 6 आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने ये दूसरी वाली बताई ये इन सब में काम करेगी, तो इसलिए आपको याद कौन रखनी है, दूसरी वाली, ये वाली आपको हर जगह लगानी है, इस पर भी वही लगाते हैं। तो यहाँ पे बेस में आपको काउंट करना है 1 2 3 4, इस यहाँ पर भी 1 2 3 4 और इस पर भी 1 2 3 4, इंटरनली आपको क्या करनी है, काउंट करने हैं, प्रत्येक बेस लाइन पर आपको काउंट करने हैं जो आधार रेखा है, और इंटरनली आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो 4 3 7 2 और 1 10 ही हो गए यहाँ पे, 4 3 7 2 9 और 1 10 ही हो गए यहाँ पे, और 10 ही हो गए यहाँ पे। अब तीनों को जोड़ना है, तो 10 10 20 और 10 30, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 30 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब इसको देखो, इसका भी वही करना है, तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10 ही हो गए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो गिनो 10 3 13 6 19 10 29, तो इसमें क्या हो जाएंगे, टोटल 29 ट्राइंगल हो जाएंगे। उम्मीद कर देंगे आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें भी वही करो,
जो सबसे बेस लाइन कौन है, आधार रेखा है, तो उसको काउंट करो, उसके अंदर जो इंटरनल ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी काउंट करो 1 2 3। अब ये वाली है तो इस पर भी काउंट करो 1 2, इस पर भी काउंट करो 1 2 3 4, और इस पर भी 1 2 3। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 3 2 5 6 तो ये हो गए, 4 3 7 9 और 1 10 हो रहा, 2 और 1 यहाँ पे हो रहा 3, 3 2 5 6 ये हो रहा है, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। तो अगर आप इनको टोटल काउंट करोगे तो ये आ रहा है, यानी 6 प्लस 10, देखो 6 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 6 और +21, ये आ रहा 49। तो इस वाले में कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, इस वाले में हो जाएंगे 49 ट्राइंगल। तो अगर आप ट्राइंगल के अंदर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है या क्षैतिज रेखा है या दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, ये वाला जो तीसरा वाला टाइप है ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो 3 टाइप मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। अब यहां पे टाइप 4, और टाइप 4 में क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर यदि क्या है, त्रिभुज है, तो उसमें कितने ट्राइंगल होंगे टोटल। तो पहले सबसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो सबसे सिंपल है, तो सबसे सिंपल ये है पहले। तो इसमें देखो, क्योंकि इसी के आधार पर आप फिर जो अन्य जो अदर ट्राइंगल है इसमें इस टाइप में उनको सोल्व कर पाओगे। तो इसमें देखो, इसको हम सीधे पहले काउंट करते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन एक ये बाहर वाला भी तो है, ये बाहर वाला भी तो आपने देखा होगा, तो इसमें टोटल कितने हैं, 5। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इससे आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, उसमें होंगे 5 त्रिभुज, यानी त्रिभुज के अंदर का जो त्रिभुज वो 4 त्रिभुज बनाता है, और एक बाहर वाला, यानी जो ये वाला, ये कितना बना रहा है, देखो एक ये है, त्रिभुज के अंदर का जो त्रिभुज वो कितने त्रिभुज बना रहा है, एक ये खुद है और दूसरा ये बना रहा है, ये तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है। तो त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर और एक ये, ठीक है, यानी टोटल 5। तो त्रिभुज के अंदर का जो त्रिभुज है वो 4 बना रहा है, प्लस एक जिस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, 5। तो त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज हो तो वो कितने त्रिभुज बनाता है, 4 त्रिभुज बनाता है, और एक बाहर वाला भी आपको काउंट करना नहीं भूलना है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है यानी 4 त्रिभुज और एक बाहर वाला यानी एक, तो टोटल 5 यहां पे ट्राइंगल है। अब इसमें देखो, तो इसमें वही है, इस त्रिभुज के अंदर कितने हैं, 1 त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर 1 त्रिभुज है, यानी 4 तो ये बनाएगा, ये वाला बनाएगा 4, ठीक है, फिर ये वाला भी तो 1 त्रिभुज के अंदर है, यानी +4 ये बनाएगा, देखो 4 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, 8 और +1 ये वाला, ये बाहर वाला 1 त्रिभुज है, 1। तो इसमें क्या होंगे, 4 4 8 1, 9 9 इसमें हो जाएंगे, 9 ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे, तो कितने इसमें होंगे, 9। अब देखो ये वाला देखते हैं, तो 1 त्रिभुज ये है, तो त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज है तो 4 ये बनाएगा, फिर 1 ये है, ये भी त्रिभुज के अंदर है, तो ये भी कितने बनाएगा, 4 ये बनाएगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, फिर ये भी त्रिभुज के अंदर है तो ये भी क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, +4 और फिर एक बाहर वाला +1, तो 4 4 8 4 12 और 1 13, इसमें कितने हैं, 13 ट्राइंगल है। तो त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज है ये वाला, तो त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो वो 4 बनाएगा और एक बाहर वाला, 5 थे, इसमें 2 थे अंदर यानी 4 बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 और एक बाहर वाला, 9, इसमें 3 थे अंदर, 1 2 और 3, यानी 4 बनाएगा, 4 बनाएगा, 4 बनाएगा, 12 और एक बाहर वाला, 13। अब इसको देखो, इसमें आपको पहले क्या करना है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो 4 तो ये बना रहा है, दूसरा ये भी है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो 4 ये बना रहा है, और फिर एक बाहर वाला 1,
नौ तो ये बनना है, लेकिन अभी रुको, अभी इसमें क्या हो गया कि देखो इस लाइन के कारण इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गई ना, ऊपर वालों में तो नहीं थी ऐसी, लेकिन इसमें ये लाइन, तो इस लाइन के कारण कितने त्रिभुज बन रहे हैं, पहले एक था वैसे, जैसे यहां पे ये एक था, लेकिन अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो इस लाइन के कारण क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो यहाँ पे बन रहे हैं, दो इस लाइन के कारण बन रहे हैं और दो इस लाइन के कारण बन रहे हैं, तो दो दो चार दो छह, यानी प्लस छह हमें और करना है, तो नौ छह कितने बन रहे हैं इसमें, इसमें बन रहे हैं 15, कितने बन रहे हैं इसमें, इसमें बनेंगे 15 ट्राइंगल। अब इसका जो ये वाला इसको अगर हम एक माने, इसको दूसरा माने, इसको तीसरा माने और इसको चौथा माने, तो जो चौथा वाला ट्राइंगल है इसका दूसरा तरीका भी है करने का, इसको ही मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये देखो इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी अगर हम एक ट्राइंगल इसको माने और इसमें ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 1 2, यानी दोरे तीन इसमें है, तीन इस वाले में छह और तीन इस वाले में है नौ, और एक है बाहर वाला, एक है बाहर का हो गया, तो 9 + 1 10, तो ये हो गए, अब देखो 10 ही हो गए। अब इस त्रिभुज के कारण कितने बन रहे हैं, एक हो गया 11 और एक ये बन रहा 12 13 14 और एक ये वाला हो गया 15। लेकिन जो मैंने आपको पहली बार ट्रिक बताई थी वो इसमें ज्यादा इजी लग रही है, ठीक है, आप इस माध्यम से भी इसको काउंट कर सकते हैं और पहली वाली ट्रिक के माध्यम से भी इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है तो वो 4 ट्राइंगल बनाएगा प्लस एक बाहर वाला, यानी टोटल वो 5 होंगे। एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक ट्राइंगल है तो टोटल अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो वो 5 ट्राइंगल होंगे, क्योंकि 4 अंदर वाला बनाएगा एक बाहर वाला है ही। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप 5, तो जो पांचवा टाइप है इसमें क्या है, स्क्वायर के अंदर आपको ट्राइंगल की पहचान करनी है कि स्क्वायर के अंदर कितने ट्राइंगल है, यानी वर्ग के अंदर कितने ट्राइंगल है। यहां से भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये स्क्वायर है और इसके अंदर ये जो दो लाइन है इनके कारण ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आपको काउंट करना है इंटरनल ट्राइंगल 1 2 3 4, अगर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ये वाली लाइन है जिसके कारण क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको टोटल इंटरनल पहले ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने ट्राइंगल के बॉक्स हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है देखो 1 2 3 4, बड़ी संख्या क्या आई 4, यानी इसमें 4 इंटरनल है, ठीक है, तो जो बड़ी संख्या आई 4 को आपको क्या करना है, दोगुना करना है, तो 8, तो इसमें कितने होंगे 8 ट्राइंगल होंगे, 8 इसमें क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, जो बड़ी संख्या है उसको आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को दुगुना करना है, ये आपको नोट करना है। अब देखो इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बड़ी संख्या क्या निकली 8, इसको दुगुना करना है, तो 8 दुना इसमें हो जाएंगे 16 ट्राइंगल। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें तो ये देखो, अब इसमें देखो इसमें एक स्क्वायर तो ये है और इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारी लाइन है और एक बाहर वाला है, तो पहले हमें जो इंटरनल वाला क्या है स्क्वायर, इसमें कितने ट्राइंगल ये काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ी संख्या 8, इसको दुगुना करना है यानी 16, तो इंटरनल वाला जो यानी अंदर जो स्क्वायर है उसके अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं 16। अब इसको देखते हैं तो इसमें वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीपल करना है दुगुना, तो 16, तो 16 अंदर वाला बना रहा है और 16 बाहर वाले स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं त्रिभुज, तो टोटल इसमें 32 ट्राइंगल बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, वही है 1 2 3 4, तो बड़ी संख्या 4 गुणा 2 करना है, 8 इसमें है, अभी रुको, ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, 1 2 3 4, इसको भी करना है 4 × 2 8। लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे ज्वाइंट कर रहे ना आपस में, तो क्या इस ज्वाइंट के कारण कोई इसमें क्या अंतर पड़ रहा है, यानी इस ज्वाइंट के कारण क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है,
जो दो ये ज्वाइंट है बिल्कुल बन रहा है। कैसा बन रहा है ये देखो, यहां पे यहां से और ये, जब ये दो वर्ग आपस में ज्वाइंट हुए तो उनके कारण एक ये ट्रायंगल बना और दूसरा इस ज्वाइंट के कारण। यानी दो और इसमें ट्रायंगल है, आठ ये हैं, आठ ये हैं, सोलह। देखो यहां पे आठ प्लस आठ, सोलह प्लस दो और बन रहे हैं, इसमें बनेंगे टोटल 18 ट्रायंगल। तो जितने ज्वाइंट होंगे उतने आपको उसमें जोड़ने हैं। तो यहां पे दो ज्वाइंट थे ना, एक ये ज्वाइंट था एक ये ज्वाइंट था, इन दोनों के कारण दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हमने ये दो जोड़े यानी टोटल 18। बाकी आपको स्क्वायर के अंदर जो हम काउंट करते हैं ट्रायंगल का जो तरीका है, आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है उसको दोगुना करना है, बाकी आपको सब वही करना है। इसमें वही करना है, पहले आपको ये वाला तरीका अपनाना है, अगर स्क्वायर के अंदर दो क्रॉस लाइन है तो इसमें भी आपको वही करना है पहले। तो 1 2 3 4 बड़ी संख्या है, 4 गुणा 2 कर देना है, 8 इसमें है पहले, 1 2 3 4 8 इसमें वही है, 1 2 3 4 यानी 4 गुणा 2 8। अब देखो ज्वाइंट लाइन कितनी है, एक ज्वाइंट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है, यानी इसमें 8 प्लस 8 प्लस 8 ये तीनों 8 हो गए, प्लस 4 इसमें और है। अब देखो मैं आपको काउंट करके भी बताता हूँ कि वो 4 कौन है। तो 4 कौन है, देखो एक ये ट्रायंगल है यहां से ये, एक तो इसके कारण है, दूसरा है इसके कारण, ये त्रिभुज बन रहा है, तीसरा इसके कारण है, देखो यहां पे ये, और चौथा इसके कारण है ये। तो 4 ज्वाइंट है ना, 1 2 3 4, और इन्हीं के कारण 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं। 8 8 16 8 24, 4 इसमें बन रहे हैं 28 ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको बड़े ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप सॉल्व करोगे। कुछ और डिफिकल्ट यहाँ पे क्वेश्चन, इसको देखो इसमें थोड़ा इसने वो चेंज कर दिया, लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनली तो आपको वैसे ही गिनना है जैसे आपको काउंट करना है, स्क्वायर के अंदर जितने भी लाइन है जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं आपको इंटरनल ट्रायंगल गिनने हैं, 2 3 4 5 6 6 इसमें है, यानी 6 बड़ी संख्या है, मल्टीपल करना है 2 से, तो 12 निकल रहा है। अब इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 है अंदर, तो ये भी आपको क्या करना है, 6 इंटू मल्टीपल करना है 2 से, क्योंकि दुगुना करना है, 12 इसमें। अब लेकिन ज्वाइंट रेखा जब दो वर्ग आपस में जुड़ रहे हैं तो इनके कारण क्या, कितने ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो एक ज्वाइंट रेखा ये है और एक ज्वाइंट रेखा ये है, यानी 2 यही वाला ना, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, क्योंकि 2 ही ज्वाइंट रेखा है ना, 2 ज्वाइंट पड़ रहे हैं यहां पे, ये वाला ये वाला। तो 12 ये है, 12 ये है, प्लस 2, 12 प्लस 12 प्लस 2 इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 26। अब इस वाले में कितने बन रहे हैं, इस वाले के देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीपल 2 करना है, दुगुना करना है, बड़ी संख्या 8 है, तो 16 ये हैं, और 8 इंटू 2 16। लेकिन यहाँ पे भी 2 ज्वाइंट रेखा है, और ये अब देखो यहाँ पे एक और अंतर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ज्वाइंट रेखा है इसके कारण कितने ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसमें ये भी तो लाइन दे रखी इसने। अब देखो यहाँ पे एक तो वही बड़े वाले हैं जो ऊपर ही बन रहे थे, एक ही हो गया इसके कारण, लेकिन इसी के कारण दूसरा भी है। देखो एक तो बड़ा वाला हो गया और दूसरा के ये यहाँ पे और बीच से यहां से इधर आ रहा है, और ये तो इसके कारण 2 इसके कारण बन रहे अभी, और इसके कारण भी वही 2 बनेंगे, एक ये बनेगा बड़ा वाला जो ऊपर बन रहा था,
और एक यहां से ये वाला, तो दो इसी कारण बन रहे हैं। यानी जब दो वर्ग यहां पे ज्वाइंट हो गए हैं तो यहां पे चार ट्राइंगल और बन रहे हैं, तो 16 + 16 + 4 ये हो जाएंगे आपके 32 + 4 = 36 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो ज्वाइंट कर रहे हैं आपस में, जो ज्वाइंट रेखा है इसके कारण कितने ट्राइंगल बन रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देने हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य टाइप के जो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे, तो जैसे पहला वाला है तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे कितने ट्राइंगल है देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छह ट्राइंगल ये है, छह त्रिभुज ये है, सातवां ये है और आठवां है ये वाला। तो इसमें टोटल कितने हैं, 8 त्रिभुज हैं। इसको देखो, तो इसमें देखो अगर हम इसको अलग करें तो इसमें क्या है, देखो ऊर्ध्वाधर रेखा है, चलो इसका देख लें, ये है ना यहाँ पे ये ट्रायंगल है और इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो आपको क्या करना है, इंटरनल गिनने हैं 1 2 और इनको आपस में जोड़ देना है, यानी 2 × 1 = 3, तो 3 यहाँ पे हैं। उसी प्रकार इसमें वही है, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं और 3 इस पे हैं, तो कितने टोटल, 3 6 9 12 15 18 18 तो ये है, लेकिन अभी रुको, अभी और भी हैं। एक तो ये है यहाँ पे, ये और दूसरा ये है बड़े वाले, तो दो इसमें बड़े वाले ट्राइंगल हैं, 18 + 2 = 20, दो कौन वाले हैं जो इसमें थे, इसमें भी 6 ये थे लेकिन 2 ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें वही है, एक ये वाला है एक ये वाला है, 18 × 2 = 20 है इसमें। इसमें अगर ये स्टार आ गया सीधे तो इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं, इसमें आपको ये नोट करना है इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 तो दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, उसमें 5 और होते हैं, तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होते हैं, 10 ट्राइंगल होते हैं, तो ये आपको नोट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 टाइप के आपको ट्राइंगल बताए, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों में आपको, क्योंकि देखो तरीका आपको यही लगाना है, ट्रिक आपको यही लगाना है, लेकिन जरूर नहीं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस ट्रिक के माध्यम से उनसे कुछ आप ट्राइंगल क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और फिर आपको कुछ अपना क्या लगाना होता है, अपना माइंड भी लगाना होता है, क्या उसमें कहीं और एक्स्ट्रा ट्राइंगल तो नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए ला रखा हूँ और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या। अब देखो इसमें भी ट्रिक तो वही अपनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल है, एक बेस लाइन ये है यहाँ पे, ये बेस लाइन है यहाँ पे, इस बेस लाइन के कारण जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जैसे ये ट्राइंगल है और इसमें जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो इसमें इसके कारण कितने ट्राइंगल हो जाते हैं, ये 1 2 और 1 3, तो इसके कारण 3 तो यहाँ पे बन रहे हैं। अब देखो इसके कारण यहाँ पे देखो ये, तो 3 यहाँ पे बन रहे हैं, इसके कारण कितने बन रहे हैं, 3, और एक ये देखो यहाँ पे 3 इसके कारण बन रहे हैं, तो 9 तो ये हो गए, और एक क्या हो गया, एक यहां से लेकर ये बड़ा वाला बन रहा है 10, और एक सबसे बाहर वाला है जो सीधे पूरा बाहर वाला यानी 11, तो 3 3 6 3 9 9 + 1 ये वाला बन रहा था, 1 + 1 बाहर वाला, कितने बन रहा है, 11 बन रहे हैं इसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ट्रिक आपको वही फॉलो करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अब इसमें देखो निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बेस लाइन ये है, तो इस बेस लाइन के कारण यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3, तो 3 तो ये बन गए, एक बेस लाइन ये है तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3, तो 6 तो ये बन गए। अब देखो क्या कहीं और भी बन रहे हैं, अब एक यहां से लेकर ये बन रहा है,
देखो छह बन गए ठीक है, प्लस ये वन और एक यहां से यहां बन रहा है ये, तो प्लस वन। इसी प्रकार ऊपर भी वही बन रहा है, एक यहां से लेकर यहां तक बन रहा है और एक यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, तो दो और हो गए, कितने हो गए छह और एक सात, एक आठ, दो दस, तो ये हो गए। लेकिन अभी इसमें दो और बनेंगे, एक तो ये वाला है यानी प्लस वन, और एक देखो यहां पे यहां से लेकर और ये गया है यहां और ये पूरा, यानी इस प्रकार से ये, तो प्लस वन इसमें बन रहे हैं टोटल 12 ट्राइंगल। तो यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। आप एक बार यहां पे इसको गौर से देखें आप, और तब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं, यहां पे देखो तीन तो ये बन रहे हैं, तीन ये हैं और तीन ये हैं इस बेस के कारण, ठीक है, इस और इसके कारण छह हो गए, और सातवां कौन है ये वाला, गौर से आप देखिए यहां पे सातवां ये है, छह प्लस वन सातवां, और यहीं से अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहां तक ये पूरा प्लस वन आठ। अब यहां पे देखो यहां भी दो बन रहे हैं, एक यहां से लेकर यहां तक और फिर एक यहीं से लेकर अब यहां तक, अब ये पूरा नीचे जा रहा है, तो दो ये बन गए प्लस वन प्लस वन, तो कितने हुए ये दस हो गए, ठीक है। अब यहां पे देखो एक ये है इतना छोटा सा, लेकिन यहीं से अगर यहां तक आप जाओगे पूरा, एक ये बन रहा है यानी दो ये बन गए प्लस दो, तो ये टोटल 12 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब यहां पे देखो निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो ये वर्ग के अंदर क्या है, बहुत सारी यहां पे क्या है क्रॉस लाइन है, और इनके कारण यहां पे ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इंटरनल ट्रायंगल गिनने हैं, वर्ग के अंदर जितने भी ट्रायंगल है इंटरनल वो आपको गिनने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और जो बड़ी संख्या है यानी छह उसको दुगुना करना है यानी गुणा दो, तो इसमें 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। इसमें भी वही है, आपको इंटरनल ट्रायंगल गिनने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और बड़ी संख्या एट आ रही है यानी बड़ी संख्या को दो से गुणा करना है यानी 16, इसमें कितने हो जाएंगे 16 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें भी वही है, पहले आपको जो इंटरनल वाला क्या है वर्ग है स्क्वायर है इसके अंदर जो ट्रायंगल है वो गिनने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, बड़ी संख्या एट है इसको दो करना है, गुणा दो करना है, तो 16 तो अंदर वाले के कारण है, और अब बाहर वाला ये जो स्क्वायर है तो यही करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ बड़ी संख्या आठ है इसको दो गुना करना है और 16, तो टोटल यहाँ पे 32 त्रिभुज हैं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहां पे देखो तो इसमें तो खैर क्या है ओरिजिनल लाइन है, तो इसमें इंटरनल ट्रायंगल गिनने हैं वन टू थ्री फोर, और सबको जोड़ देना है चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, इसमें बन रहे हैं 10, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसमें इसमें वही है, इंटरनल गिनने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बड़ी संख्या छः है क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है और छः को दो गुना करना है, तो यहाँ पे बनेंगे 12। अब इसमें देखो ये भी मैंने आपको बताया, तो इसमें इंटरनल त्रिभुज इसके कारण कितने बन रहे हैं चार बन रहे हैं, तो चार फिर इसके कारण बन रहे हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो चार इसके कारण भी बन रहे हैं, तो त्रिभुज के अंदर पहला त्रिभुज चार इस कारण, त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज चार इस कारण बन रहे हैं, और फिर यहां पे कितने बन रहे हैं इसके कारण इस ऊर्ध्वाधर रेखा के कारण दो यहां बन रहे हैं एक दो एक दो और एक दो, तो दो दो चार और दो छह, तो छह इसके कारण बन रहे हैं, प्लस एक बाहर वाला, बाहर वाला भी तो गिनेंगे प्लस वन, तो ये बन रहे हैं
इसमें कितने होंगे, 15 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें भी देख लेते हैं इसमें कितने बन रहे हैं, तो इसमें एक ऊर्ध्व रेखा ये है, तो 3 यहां पे बनेंगे। अब ये ऊर्ध्व रेखा अगर अगर हम इसको पूरा लें यहां तक, तो 3 इस पे भी बनेंगे प्लस 3। अब देखो 3 इस पे बन रहे हैं और इसी प्रकार 3 इस पे भी बनेंगे, तो 3 प्लस 3 और 1 ये बन रहा है, 2 ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, यानी प्लस 4। तो कितने बने, 3 3 6 3 9 12 4 16। तो यहां पे बनने चाहिए 16, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। अब देखो इस प्रकार का भी एग्जाम पूछा जाता है, इसमें भी आपको क्या देखने हैं, त्रिभुजों की संख्या, ट्राइंगल की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो पहले पैटर्न सेम है, 1 2 3 4, 4 बेस में भी है और 1 2 3 4, 4 इस प्रकार में भी है और 1 2 3 4, यानी पैटर्न इसका सेम है, 4 4 है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें इसका जो तरीका है, आपको जितने इसमें हैं बेस में, क्योंकि पैटर्न इसका सब जगह गिनेंगे तो 4 ही मिलेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 और फिर आपको क्या करना है, 1 के आगे 1 लिखना है। अब इस 1 को इसके साथ जोड़ना है, यानी +2 कर देना है, तो यहां पे आ जाएगा 3। अब इस 3 को प्लस करना है इसके साथ, इस 3 के साथ, तो ये 6 आ जाएगा और फिर इसको यहां पे 4 के साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो 6 4 10 आ जाएगा। इस प्रकार आपको एक पैटर्न फॉलो करना है और यही तरीका आपको, अगर ये सेम पैटर्न मिलेगा सब में, जैसे यहाँ पे 4 4 है, कहीं पे 5 5 आएगा, कहीं पे 3 भी आ सकता है, कहीं पे 6 भी आ सकता है, 7, कुल मिला के अगर पैटर्न सेम मिलेगा, इधर भी सेम होगा और इधर भी सेम होगा, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले जितने इसमें ट्राइंगल है इंटरनल एक बेस में, तो आपको लिखना है 1 2 3 4, फिर 1 के आगे 1 लिखना है और 1 को इधर 2 से जोड़ना है, तो उसके आगे 3 लिखना है, फिर 3 को नीचे वाले 3 से जोड़ना है, उसके आगे 6 लिखना है, 6 को नीचे वाले से जोड़ना है, उसके आगे जितना वो जोड़ हो रहा है, 6 4 10। अब इसको टोटल क्या करना है, अब ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये हुआ है 10 6 16 और 3 19 और 1 20, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो 20 आया यानी जो परिणाम आया उसके जो ऊपर संख्या है, इसको यहाँ पे ऐसा लिखना है, कट कर देना है, लेकिन इसको राइट कर देना है, फिर उसके ऊपर वो कट करना है और इसको राइट कर देना। अब जो राइट वाला आपने किया उसको जोड़ना है, यानी 6 प्लस 1 ये वाला और ये वाला 7, और इसको इसके साथ जोड़ देना है, ये बनना 27। इसमें कितने होंगे, 27 होंगे। अब इस प्रकार का कोई भी अगर ट्राइंगल इस प्रकार आता है और उसमें संख्याएं पूछता है, लेकिन उसका पैटर्न सेम होना चाहिए, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, या इधर 5 भी हो सकते हैं, 5 5, जैसे 3 का आता है, अगर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो उसमें बनेंगे आपके 13, क्योंकि आपने क्या लिखना है, फिर 1 2 3, फिर 1 के आगे 1 लिखना है, फिर इस 1 को +2 करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3, फिर इस 3 को इसके साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 3 और 1 10, 10 के ऊपर वाला 6 है, तो इसको यहाँ पे कट कर देना है, इसको सही कर देना है, इसको कट कर देना है, तो सही कौन सा किया आपने, 3, तो इसके साथ 3 को जोड़ना है, तो यहाँ पे 13 होगा। उसी प्रकार का 5 का भी आएगा, 1 2 3 4 5, उसमें भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अब सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चनों पर हमने यहाँ पे चर्चा की, और पहले मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए, उन टाइप्स के माध्यम से मैंने आपको ट्रिक बताई, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ट्राइंगल फिगर को काउंट करना सिखाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराए, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फिगर काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस PDF से, तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।